भी खुल रहे हैं, या हंडनेस पहले पहले से ठीक है, पहले से कम है, कम है, ठीक है, पहले से अच्छा आ रहा है, ठीक जी जी। और कोई दर्द वगैरह कोई परेशानी नहीं? दर्द कुछ नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अभी कोई पेन किलर या स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है? कुछ नहीं सर, सिर्फ आपके मेडिसिन के अलावा बाकी कुछ के कुछ नहीं लेते। यहाँ कुछ प्रॉब्लम अगर होता भी है तो उसको थोड़ा सा क्या कहें, उपवास करते हैं, उपवास रहते हैं, योगा वगैरह रेगुलर योग करते हैं, बाकी तो क्या लगा ये, जैसे स्टेरॉइड वगैरह लेते तो आपका कंडीशन नहीं रहते, अपना आयुर्वेदिक से अच्छा सुधार है? मतलब हमने तो जीने का मतलब कोई उम्मीद ही नहीं था सर, जब डॉक्टर बताएं कि आप कैंसर के स्टेज पे हो तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है। हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी से भी शेयर नहीं किया। अच्छा, लेकिन ये सीएमसी बेलोर और कहाँ कहाँ गए थे? सबसे पहले तो सर झारखंड के जो गिने चुने डॉक्टर थे उनसे संपर्क किया, उन्होंने बतलाया कि ये इंडिया में बहुत रेयर लाखों में एक आध पेशेंट के साथ ऐसा होता है। अच्छा। तब हमने अंतिम डिसीजन घर में हुआ कि नहीं से आप इंडिया का सबसे अच्छे जो हॉस्पिटल है उसमें आप चले जाओ। तो वहाँ हमने फिर सीएमसी किया, सीएमसी के डॉक्टर पूरे चेकअप के बाद उन्होंने बताया कि आपको स्क्लेरोडर्मा है और इसका कोई परफेक्ट मेडिसिन अभी तक नहीं आया है, परफेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो उसके बाद फिर बोला हमने ट्राई कर रहे हैं कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हो। उनको लगता है कम से कम वहाँ से हम 5 साल से ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन 5 साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, पूरा सेंस 5 साल ट्रीटमेंट लिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन हमने 13 वर्ष के बाद अभी इम्प्रूवमेंट है और स्किन में भी इम्प्रूवमेंट है। स्किन तो ये छूते नहीं बन सकता था, ये तो अभी दोबारा चेकअप करने के लिए गए थे बेलोर, अभी क्या डॉक्टर क्या राय थी अभी? अभी तो सबसे पहले तो हम लोग म्यूचुअल फंड के डॉक्टर पास गए जिनके पास ट्रीटमेंट कराते थे, उन्होंने रेफर किया जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने बोले आप मेरे पास नहीं उनके पास जा करके आपका क्या अंदर का स्थिति है, स्थिति है, हाँ, उसको आप चेकअप करवाओ। सारा चेकअप होने के बाद रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर खुद ताजुब किए कि आप क्या, फिर डिटेल जानना चाहें कि आप क्या मेडिसिन ले रहे हो। हमने बताया कि अभी कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, हरिद्वार से एक हमारे गुरुदेव जी हैं उन्हीं पे सुभाष नायक, उन्होंने बताया कि डॉक्टर सुभाष नायक हमारे गुरु जी हैं, उन्हीं के देख रेख में हम आयुर्वेद दवा जो देते हैं उन्हीं का काढ़ा, उन्हीं का मेडिसिन और उन्हीं का मार्गदर्शन में अपना रूटीन में रहते हैं। मैं ये 13 से 14 करीब 4 साल हो गए, 4 साल में अच्छी इम्प्रूवमेंट है, पहले से अच्छे बहुत सुधार है सर। अच्छा, देखो हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं जी जी, स्केलोडर्मा के पूरा देश भर के पूरे पेशेंट हैं जी जी, और स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसेंट पेन किलर लेकर स्थिति एकदम बिल्कुल बदतर होती जाती है, ठीक है। बाकी जो भी आपने ये योगा वगैरह कंटिन्यू करना बहुत स्वस्थ हैं जी जी। तो आगे दूसरे पेशेंट के लिए मार्गदर्शन होगी, आप जैसे पेशेंट जो सफरर हैं भाई आयुर्वेद मेडिसिन योगा आदि से अपने स्वास्थ्य को जैसे कि तैसे रख सकते हैं, कोई डिटोरेशन की खराबी होने नहीं, नहीं कोई खराबी नहीं। सबसे बड़ी आयुर्वेद मेडिसिन लेने के बाद किसी का साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता सर, ये हमने खुद का मतलब अनुभव किया हुआ है कि कोई मेडिसिन किसी भी तरह का मेडिसिन लेने से, आयुर्वेद का मेडिसिन लेने से बॉडी पे शरीर पे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात है थोड़ा पेशेंस रख करके मेडिसिन लेना चाहिए, और जहाँ से आप ट्रीटमेंट मतलब हम ले रहे हैं एक आस्था तो बना हुआ है, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ लेने की चीज़ है। आप खाने पीने पर परहेज करते हैं? हाँ, साधारण घर में खाना पीना, खाने पीने में क्या परहेज करते हैं कि बाकी पेशेंट को आप बता दें कि आपसे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्या परहेज करते हैं खाने पीने में? घर का नॉर्मल जो खाना होता है जो घर का बनाया हुआ चीज़ है उसी को मैक्सिमम मतलब कोशिश करते हैं कि घर का ही बनाया खाना अपनी सादा जो होता है नॉर्मल खाना नॉन वेज इसमें हम लोग नहीं खाते हैं, तेल मसाला कम से कम यूज करते हैं, खटाई वगैरह खटाई तरह खटाई नहीं लेते हैं, और रात में दूध लेते हैं, सुबह का कोशिश करते हैं चना उना अंकुरित फल उसे लेते हैं, नाश्ते में थोड़ा दही ले लेते हैं सर खाने। अच्छा, दही वगैरह बैठे ठीक है। तो अभी मेरे अब देखिए ये स्क्लेरोडर्मा इसी तरह कि एकदम भयंकर बीमारी है जो ऑटोइम्यून डिजीज में आते हैं, हमने आयुर्वेद में तो बात रक्त में लेते हैं जी। तो ये लगातार शरीर के चमड़े
ड्राई हार्डनेस होते हुए खाने पीने चलने मुलने सारे असमर्थ हो जाते हैं जी जी। लेकिन आयुर्वेद पेशेंट से आपके नाम क्या है? लखन राम। हाँ लखन राम जी, ये झारखंड में है जी। इसी तरह आप अपना स्वस्थ हो सकते हैं जी। ये छोटे से वीडियो जी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह पेशेंट को शेयर करें जी, लाइक करें कि आगे दूसरे जो स्क्लेरोडर्मा ये मल्टीपल स्क्लेरोडर्मा से सफर पेशेंट लोग इसे मार्गदर्शन मिले। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।